आखिर क्यों नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्स वाइफ आलिया ने बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में आने का फैसला किया? जी हाँ, क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 17 जून को शुरू होने वाला है और फर्स्ट लुक कंटेस्टेंट्स के ऑलमोस्ट रिवील हो चुके हैं और जो ऑडियंस है उन्होंने गेस भी कर लिया कि ये कौन है, ये कंटेस्टेंट कौन है, सब हो चुका है, कंफर्म कंटेस्टेंट्स पता चल चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्स वाइफ आलिया जो कि इस सीजन का हिस्सा बन रही हैं और उनके इस हिस्सा बनने से काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही हैं कि अब क्या होगा, क्या कुछ बातें सामने आएंगी घर के अंदर। अब इसी बीच जो फर्स्ट लुक रिवील हुआ आलिया का, उसमें वो ये कहती हुई नजर आई कि मैं एक स्टार की बीवी के नाम से जानी जाती थी, पहचान थी मेरी और रिस्पेक्ट हर रिलेशनशिप में होना चाहिए और जिस तरीके से अगर रिस्पेक्ट ना हो एक शादी में और एक या फिर रिश्ते में तो वो कमज़ोर हो जाता है, अपने आप ही कमज़ोर हो जाता है। 19 साल तक मैं इस चीज़ से लड़ती रही, शादी से लड़ती रही, स्ट्रगल किया इस शादी में और जिससे आप प्यार करते हो वही आपकी बात ना सुने। तो फिर उसके बाद मैंने ये फैसला ले किया कि मैं सबको बताऊंगी अपनी बात और मुझे ऐसा लगता है मैंने सही किया और मैंने बिग बॉस में आने का फैसला इसलिए लिया ताकि जो मेरी खराब शादी है उसके शैडो से मैं बाहर आ सकूँ और अपनी खुद की पहचान बना सकूँ। जी हाँ, इस वजह से वो ये सीजन कर रही है। वो हम सब जानते हैं कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था नवाजुद्दीन पर चीटिंग का, झूठ बोलने का और अभी तक ये मामला चल रहा है। लेट्स सी क्या कुछ होता है। आप हमें बताइए, क्या आपको लगता है आलिया ने सही फैसला लिया है बिग बॉस के घर में आने का? बता दीजिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में और इसी तरीके के अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारे चैनल।